तो इधर बीजेपी भी अपनी अगली सूची कभी भी जारी कर सकती है। इंदौर उज्जैन में नए लोगों को मौका मिलना लगभग तय माना जा रहा है। दोनों जगहों से महिला प्रत्याशी को ही मौका दिया जाएगा, ये खबर भी सामने आ रही है। तो छिंदवाड़ा को लेकर बड़े नामों पर बातचीत हुई है, स्थानीय नेताओं के साथ साथ बड़े नामों पर बातचीत हुई। बालाघाट से भी नए चेहरे पर विचार चल रहा है। इसके अलावा धार से जयदीप पटेल का नाम सबसे आगे चल रहा है। तो आपको बता दें कि 24 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी पहले ही ऐलान मध्य प्रदेश में कर चुकी है, लेकिन अभी 5 सीटें रह चुकी हैं। उन 5 सीटों पर कसमकस बनी हुई है और खबर ये आ रही है कि जल्द ही इन नामों का ऐलान भी किया जा सकता है। इंदौर उज्जैन में नए लोगों को मौका मिलना तय है। दोनों जगहों से खबर ये है कि महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा जा सकता है। चलिए, और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, 5 लोकसभा सीटों के नाम बीजेपी अभी मध्य प्रदेश में ऐलान नहीं किए हैं, लगातार इन नामों को लेकर कसमाकस भी चल रही है इन सीटों पर। क्या कुछ अब माना जाए, कब तक बीजेपी नामों का ऐलान कर सकती है, और क्या जिस तरह से लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे कि महिला उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा देखने को मिलेगी, क्या जानकारी है? देखिए दिनेश, कोर ग्रुप के मेंबर्स कल बैठे थे, जैसे पीएम, जेपी नड्डा, अमित शाह और सभी लोग, तो कई राज्यों पर चर्चा हुई है, लेकिन सीईसी की बैठक होना अभी बाकी है तो उसमें नामों पर मोहर लगेगी। लेकिन चर्चाएं ये है कि दोनों जगह लगातार बंसल न्यूज कह भी रहा है कि उज्जैन और इंदौर से तो महिला प्रत्याशी ही दिखाई देंगे। अब बात है बालाघाट, छिंदवाड़ा और धार, तीनों जनजाति सीटें हैं, तो यहाँ को लेकर भी बड़ी चर्चा चल रही है। बालाघाट में किसी ओबीसी को टिकट दिया जा सकता है, इसी तरह चर्चा छिंदवाड़ा में है, क्या किसी नए नाम पर विचार होगा। कई ऐसे नाम है, लेकिन स्थानीय नेता पर ही ऐसा लगता है कि मोहर लगेगी, चाहे वो महिला प्रत्याशी हो या पुरुष प्रत्याशी हो। लेकिन सबसे ज्यादा जो पैच दिखाई दे रहा है वो इस समय धार को लेकर है और उज्जैन इंदौर को लेकर। उज्जैन इंदौर में ताई भाई का मसला चल रहा है, इसलिए कई नामों पर चर्चा। अभी एक नया नाम आ गया मेघा का, उनके नामों की चर्चा भी है, वो मराठी वर्ष से ही आती है। दिव्या गुप्ता का नाम बहुत आगे लगातार चल ही रहा है, तो ऐसे कुछ नाम है, अर्चना चिटली का नाम चल रहा है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अंततः वहां किसी महिला को टिकट देने जा रही भारतीय जनता पार्टी। इसी तरह उज्जैन में भी हम लगातार कह रहे हैं रानी जाटवा और मीना जोनबाल जो पूर्व की महापौर रही है, वहां भी महिला प्रत्याशी का ही नाम सबसे आगे है, तो हमें लगता है रानी पर सहमति वहां बनती हुई नजर आएगी। इसी तरह बालाघाट की बात करें तो ढाल सिंह बिसेन है, वैभव पवार है, इन सब नामों पर, लेकिन वहां भी एक किसी महिला का नाम आया, तो मुझे उम्मीद कम है कि वहां किसी महिला को टिकट दिया जाएगा, क्योंकि 5 में से 2 महिला के खाते में जा सकती है और बाकी सभी सीटों पर पुरुष दिखाई देंगे। छिंदवाड़ा को लेकर जरूर मोनिका बट्टी या बंटी साहू की बात करें, लेकिन इससे इतर 2 बड़े नेताओं की चर्चा भी बड़ी तेजी से है, और एक और नया नाम उभर कर सामने आ रहा, अभी लेना उचित नहीं होगा ऐसा भी कहा जा रहा है कि उस पर भारतीय जनता पार्टी आगे जा सकती है। लेकिन और भी बिंदुओं पर बीजेपी विचार चल रहा है, पर मानकर चलिए कि अब बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, कल या परसों में सूची हमारे सामने। चलिए, शुक्रिया मनोज जी जानकारी के लिए।